हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। होप आपकी प्रिपरेशन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अच्छी चल रही होगी। अपकमिंग एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन में से एक है हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन, ठीक है ना, कि जो आपका ईओ का एग्ज़ाम है। इसमें 20 मार्क्स का है हमारा पॉलिटी सेक्शन, और ए आर ओ एग्ज़ाम में भी पॉलिटी सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर आप चीज़ समझ गए तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो आप ना, बहुत इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आप इसको एक बार समझ गए, आपको आर्टिकल्स पता हैं, आपको पार्ट्स पता हैं, आपको प्रेसिडेंट के बारे को नॉमिनेशन कैसे होता है, कैसे इलेक्शन होता है, ये सब पता है आपको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको बहुत ईजिली मार्क्स मिल जाते हैं। कन्फ्यूजन वाले बहुत कम है इसमें। तो आज हम क्लास थर्ड है हमारी, अभी तक दो क्लासेस हो गई। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो वो पिछली दो क्लासेस देख सकते हैं, आज क्लास थर्ड है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स जिसको हम बोलते हैं मूलभूत अधिकार, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स की क्लास है आज। फंडामेंटल राइट्स, अब इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट रखना पड़ता है, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आती है, क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, या पार्ट थर्ड में कौन सी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में क्या है। तो क्या है फंडामेंटल राइट का है, पार्ट थर्ड, ठीक है ना, पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग तीन में, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल कौन से बोलते हैं, आर्टिकल नंबर आता है आर्टिकल आर्टिकल 12 से लेकर 12 से लेकर 35 तक, ठीक है ना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये इंस्पायर्ड कहां से लिए गए, इंस्पायर्ड बाय मतलब ये ड्रॉन बाय, इंस्पायर्ड बाय मतलब किस देश के संविधान से लिए गए, इंस्पायर्ड बाय कहां से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, अमेरिका के संविधान से लिए गए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और वहां इनको क्या बोलते हैं, वहां इनको बोलते हैं हम बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है ना, ये हो गया इंस्पायर्ड बाय यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या बोलते हैं इनको, आल्सो नोन एज क्या बोल जाता है, मैग्ना कार्टा, मैग्ना मैग्ना कार्टा, ठीक है ना, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंडिया का मैग्ना कार्टा बोला जाता है इनको, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे संविधान में इसका है। एम क्या है, क्या है, टू प्रमोट, ठीक है, मेन एम क्या होता है, टू प्रमोट प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, आइडल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, आइडल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है ना, राजनीतिक गणतंत्र, ठीक है ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है ना, ये एम है हमारा, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पार्ट पूछ लेते कभी आपके एग्जाम में, इसी 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 चीज से क्वेश्चन बनते हैं, भाई किससे इंस्पायर्ड है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसे बोला जाता है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, आपको ऑप्शन दे देंगे, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसा करके ऑप्शन, चार ऑप्शन दे देंगे। क्या मेन है, मेन है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए हमें फंडामेंटल राइट दिए रखे। नेक्स्ट, अब इनको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, ठीक है, व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल, तो दो कारण है जिसके कारण इनको फंडामेंटल बोला जाता है। पहला है कि फंडामेंटल का कारण क्या है, इसका फंडामेंटल का मतलब क्यों इन्हें फंडामेंटल बोला जाता है। पहला है दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन, भाई संविधान में लिख रखा है, ऐसे राइट्स तो हमें बहुत सारे रहते हैं जिसको आप कानून से बना सकते हो, पर संविधान में अगर मेंशन करेगा तो बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक
ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंस है उसके। ठीक है, दूसरा क्या है, वाई दे आर फंडामेंटल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंसान की को पूर्ण विकास के लिए, ठीक है ना, किसी भी इंसान का पूर्ण विकास के लिए ये राइट बहुत जरूरी है। ठीक है ना, एक सभ्य समाज में, एक लोकतांत्रिक समाज में किसी भी नागरिक का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी इंसान का अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए, पूर्ण विकास चाहिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है राइट्स। ठीक है ना, तो कैसे नहीं तो उस विकास हुआ कैसे। ठीक है ना, अब आप धीरे धीरे करके सोचो, अब हम पढ़ेंगे जब फंडामेंटल, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि भाई कितना इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है ना, मैग्ना कार्टा क्यों बोला गया है। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है ना, तो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, भाई फंडामेंटल राइट के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला है, ठीक है, क्यों फंडामेंटल है, क्योंकि दे आर जस्टिकेबल इन नेचर। ठीक है ना, इनको जस्टिकेबल, आप इसके लिए अगर फंडामेंटल का हनन हुआ है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है ना, आर्टिकल 32 जैसा आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है। ठीक है ना, वो खुद एक राइट है, मतलब आपको कोर्ट में जाने का आपको पूर्ण अधिकार, वो भी एक अधिकार अगर आपका अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, दे आर जस्टिकेबल इन नेचर, अगर आपका इसका अगर इसका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है ना, पहला है जस्टिकेबल इन नेचर। ठीक है ना, कि ये क्या है, आप इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, आप इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट की शरण में जा सकते हो, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, और क्या इसकी फीचर्स है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, QUALIFIED। ठीक है ना, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता स्टेट, कभी अनफॉर्चुन सर्कमस्टांसेस आ गए, भाई सपोज करो कि दंगा बढ़ गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें क्या कर सकता है स्टेट, क्या करता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अब वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं, उसे आप कोई भी कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है। ठीक है ना, ये हो सकता है। फिर क्या है, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग, नेक्स्ट एक फीचर क्या है, दे कैन बी सस्पेंडेड, इनको सस्पेंड भी कह सकता है, सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी। ठीक है ना, एमरजेंसी एक्सेप्ट दो राइट, आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 को छोड़ के सब आप सस्पेंड कर सकते, बस ये दो ये नहीं कर सकते, एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। ये क्वेश्चन बनता है कि भाई किस राइट को हम सस्पेंड नहीं कर सकते, एक आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ के हम बाकी को सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड मतलब टेम्परेरी बेस पे आप उसको हटा सकते हैं, उसके लिए राष्ट्रपति को वो करना पड़ेगा, आदेश जारी करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 20-21 को छोड़ के बाकी आप जितने आर्टिकल है आपको उसको सस्पेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, एक और फीचर्स, बाकी फीचर आप पढ़ लेंगे आप किताब में, पर मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ ताकि हमारा क्रैश कोर्स है भाई, फटाफट से सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है ना, रिवीजन टाइप का हो गया। और क्या है, दे आर अवेलेबल
अवेलेबल अगेंस्ट अगेंस्ट आर्बिट्ररी ए आर बी आई टी आर ए आर वाई आर्बिट्ररी एक्शन एक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, सरकार के आर्बिट्री एक्शन के खिलाफ हुआ है भैया, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो सरकार का एक नेगेटिव नेचर है, गवर्नमेंट को ये बांध के रखती है कि भाई आपको ये नहीं करना उसके साथ, सिटीजन्स के साथ, ठीक है ना। ये हो गया फीचर्स। अब पढ़ते हैं हम आगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो और भी ये फीचर्स आप पढ़ सकते हैं बुक्स में, पर ये बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें फंडामेंटल राइट्स थे हमारे 7, पर हमने क्या करा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमने क्या करा, उसको आज जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो अब बचे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि ओरिजिनली Constitution provide 7 fundamental rights, ठीक है, 7 fundamental rights, ठीक है। But now अब कितने हैं, but now 6, ठीक है, 6 है। अब कौन कौन से हमारा, सबसे पहला fundamental right, ठीक है ना, वो होता है right to equality, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, समता का अधिकार जैसे बोलते हैं। ये कहां से होता है, देखो 12 और 13 आर्टिकल उसके लिए नहीं है, ये होता है 14 से स्टार्ट, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक, ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक हमारा ये वाला राइट है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर राइट टू इक्वालिटी। फिर है सेकेंड राइट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से लेकर 19, 20, 21, 22, ठीक है ना, तो 22 तक ये हमारा राइट टू फ्रीडम है। तीसरा जो है हमारा वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध। तो ये क्या है, 23 और 24, दो आर्टिकल है इसमें। चौथा है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, धर्म का अधिकार है हमें, वो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक, ठीक है ना, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। उसके बाद चार आर्टिकल हो गए, दो आर्टिकल और रह गए, ये लिख लो आप चार आर्टिकल, ठीक है। अब दो आर्टिकल और हैं, ठीक है, 28 तक हो गए। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। तो ये है आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। अल लास्ट जो है हमारा छठा, ठीक है, छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है ना, ये नंबर आर्टिकल नंबर 32 है। अब एक जो रीअपील कर दिया गया उसके बारे में बता देते हैं,
एक था हमारा एक था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये स्पेसिफिकेशन लिख लो आप, ये नोट लिख लो यहाँ पे कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल नंबर कितना था, ये आर्टिकल नंबर था 31, ये आर्टिकल नंबर 31 था, 31। इसको क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, बट डिलीटेड, ठीक है, बट ठीक है ना, बट डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है ना, एंड इज नाउ लीगल राइट। तो ये अब लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ठीक है ना। यह पूछा जाता है कि भाई आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, इज अ फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, तो ये हमारा क्या है, लीगल राइट है, ठीक है। तो ये छह राइट थे, सातों हमने रिपील कर दिया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से रिपील कर दिया गया। ये देखिए, अब छह राइट को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता हमारा आर्टिकल, हमारे जो फंडामेंटल राइट होता है 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है ना, 12 से लेकर, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है टोटल हमारे यार फंडामेंटल राइट। तो आपको वो होगा कि भाई 12, आर्टिकल 12 से 12 12 से स्टार्ट करते हैं ना, कि आर्टिकल नंबर 12 है क्या, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 12 जो है, आर्टिकल नंबर जो 12 है वो डिफाइन करता है स्टेट की डेफिनेशन, कि स्टेट है क्या भाई, आपको किसके खिलाफ मिल रखे हैं, ठीक है ना, किसके आर्बिट्री एक्शन के खिलाफ मिल रखे हैं। तो उसने क्या कर रखा है, ये डिफाइन करता है, डिफाइन स्टेट, स्टेट है क्या, ठीक है ना। तो स्टेट क्या क्या है, तो सबसे पहली चीज क्या है, ये है यूनियन, यूनियन लेवल पे, यूनियन लेवल हमारा लेजिस्लेटिव, लेटिव दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून बनाया, पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार जिसको बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, गवर्नमेंट। तो इन दोनों के खिलाफ मिल रहा है पहले हमें, कि ये दो जो कानून बनाएगी उसमें भी लागू होगा, ठीक है ना, ये स्टेट है जिसके खिलाफ हमें कानून वो मिल रखा है फंडामेंटल राइट। दूसरा कौन होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स में, राज्यों में, वहां भी लेजिस्लेटिव होते हैं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, वहां की लेजिस्लेटिव को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, और यह था लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, हर राज्य में विधानसभा होती है। और क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, वहां भी सरकार होती है राज्यों में भी, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव, उसके खिलाफ भी मिल रखा है हमको फंडामेंटल राइट, ठीक है, वहाँ की राज्य सरकारों के खिलाफ, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। और क्या होता है, एक लोकल गवर्नमेंट होती है हमारी, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में अलग अलग होती है। अब डिपेंड करता है आप किस स्थान, किस एरिया की बात कर रहे हो। देखो लोकल गवर्नमेंट हर तरह की होती है, ठीक है ना, पहले क्या, अगर हम अर्बन एरियाज में, अर्बन, अर्बन एरिया में क्या है, म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है ना, इनके खिलाफ भी हमें मिल रखा है। फिर रूरल एरिया में क्या होता है, पंचायत, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ पंचायत सिस्टम है, PRI जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, पंचायत, ठीक है। और क्या होता है, पंचायत हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बोर्ड्स, ऐसा करके जो भी, ठीक है, शहरी क्षेत्र वाला हो गया, तो ये हो गया। और किसके खिलाफ मिलता है हमें, और मिलता है जैसे कोई PSUs हो गए, बैंक्स हो गए, ठीक है ना, हमारे जितने ONGC हो गया, LIC हो गया, ये सब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, इनके लिए भी मिलता है, ये भी एक स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है ना। पहले इसमें डिफाइन किया गया भाई स्टेट होता क्या है। नेक्स्ट
आर्टिकल नंबर 13, 12 से स्टार्ट कर दिया हम, 13 में आ गए। आर्टिकल नंबर 13, तो आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है, ये डिफाइन करता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट, लॉज इन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। तो जो लॉ फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, मतलब उसको वायलेट कर रहे होंगे, तो उसका क्या होगा, ठीक है ना, उसके ठीक है वायलेट करेंगे तब क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हो, तो इस लॉ में हमको दो पावर्स मिलती है, ठीक है ना। तो इसको आप मान लो मेन तरह से ये जुडिशियल रिव्यू का पावर है हमारी, ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। सपोज करो कोई पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया और वो कानून एक तरह से वायलेशन है किसी के, हमारी जैसे राइट टू प्राइवेसी वाला हो गया ना, प्राइवेसी, हमारा कोई कानून बनाया सरकार की भाई हम सबकी प्राइवेसी को हम वो करेंगे, ठीक है, वायलेट करेंगे, मतलब हम किसी के फोन टेप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, हम इसके खिलाफ कोर्ट्स में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी आदमी अपने कोर्ट राइट का हनन हो रहा है, कोई से भी राइट का, सपोज रिलीजियस राइट का हनन हो रहा है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल हमें दो राइट्स देता है, पहला आप चले जाओ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हो तो हमारा आर्टिकल लगेगा 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर चाहो तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में लगता है आर्टिकल 226, ठीक है ना। कोई से भी आप इन दोनों में से कहीं भी आप जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट भी, जहां आपको सही लग रहा है, ठीक है। आप उस कानून को चैलेंज कर सकते हो और वो कानून क्या है, तुरंत कोर्ट के द्वारा नलीफाई कर दिया जाएगा, भाई ये गलत कानून बना दिया, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 14, तो मतलब राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। ये होता है आर्टिकल नंबर 12, 13 वो हो गया, हमने पढ़ लिया था अभी, 14 से लेकर ये 18 तक है, ठीक है ना, 14 से लेकर 18 तक है। तो सबसे पहला हमारा इसमें स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 14, ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। ये हमें राइट देता है, देखो आप किस तरीके से याद कर सकते हो, आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि भाई भगवान ने जो नियम बना रखे हैं, ठीक है ना, जैसे भगवान भेदभाव नहीं करता उसी तरीके से संविधान भी हमारे साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक है ना। तो पहला चीज क्या होती है भाई, पहले सबसे पहला आप देखो इक्वालिटी, समानता लाने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले भाई कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अमीर आदमी का अलग कानून है, गरीब आदमी का अलग कानून है, ठीक है ना। जैसे कि भाई पहले के टाइम पर राजाओं का टाइम होता था कि राजाओं के लिए अलग कानून है, ठीक है, जो हमारा अपर वो है राजा वगैरह है, राजा और उनका परिवार के लिए अलग कानून था और आम जनता के लिए अलग कानून था, पर इस समय नहीं, ठीक है ना। जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी नियम क्या है कि भाई अमीर चाहे आदमी कम पॉपुलेशन कम है, चाहे वो गिनती में कम है, ज़्यादा है, लिंग्विस्टिक कम है, भाषा बोलने वाले कम है, सबके साथ समान ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं अमीर गरीब कैसा भी हो। तो क्या है आर्टिकल 14 बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, भाई समान सुरक्षा ही मिले, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना, कि कानून का समान संरक्षण भी मिले, ठीक है ना, सिर्फ उसके सामने बराबर ना हो, उसको समान संरक्षण मिले। भाई सपोज करो कि किसी किसी दलित आदमी को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये थोड़ी बोल देंगे कि पुलिस की भाई हम नहीं देंगे, भाई उसके अगर जानों का खतरा है तो देना पड़ेगा, समान प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी आपको,
ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल बोलता है आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 ये कैसे बोलता है, ये आपको प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिने प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ऐसे एक पिक्चर भी आई थी आर्टिकल 15, ठीक है ना। प्रोहिबिशन ये प्रोहिबिट करता है, निषेधित है, प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। आप भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म के आधार पर नहीं कर सकते, रिलीजन किसके धर्म के हिसाब से आप भेदभाव नहीं कर सकते कि भाई आप इसको, हम इस धर्म के लोगों को नौकरी देंगे या इस धर्म के लोगों को हम जॉब देंगे और इसको नहीं देंगे। रिलीजन, रेस, इसमें सब में एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट ही है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि भैया वो किस धर्म में पैदा हुआ है, क्या उसकी रेस है, किस तरीके से, ठीक है ना, जाति क्या है उसकी, धर्म क्या है, लिंग क्या है, ठीक है, जन्म स्थान क्या है, तो इसके हिसाब से आप भेदभाव नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 बोलता है, ठीक है। तो अगर आप भेदभाव करोगे तो कुछ ना कुछ पेनल्टी है, आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 15 तक बोलता है। आर्टिकल नंबर 16, ठीक है, आर्टिकल नंबर 16, अब आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है, ये आपको एक और देखो, अब समानता का अधिकार एक और हो गया, आर्टिकल नंबर 16 ये बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि भाई राजकीय सेवा के लिए सबको क्या समान अवसर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई किसी स्पेशल आदमी को स्पेशल, भाई पहले के जमाने में क्या होता था, राजकीय सेवाओं में ज्यादातर कौन होते थे, राजा के ही अपने रिश्तेदार होते थे, ठीक है ना, या मंत्री परिषद या फिर रॉयल जॉब सोसाइटी रहती थी, एरिस्टोक्रेसी रहती थी, उन्हीं के लोग होते थे। पर अब क्या है, अब डेमोक्रेसी है तो सबको समान अवसर है, सबको समान है, कोई भी आदमी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई से पब्लिक ऑफिस को किसी को कोई प्रतिबंधित नहीं है, ठीक है ना, कि कोई नहीं जा सकता, कोई भी आदमी बन सकता है, ठीक है ना, कोई भी आदमी किसी भी पोस्ट में जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राजकीय सेवा के लिए आपको क्या है, सबको मौका मिलेगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 ये बोलता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ छुआछूत का निषेध है इसमें, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी, एंड एक तो छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है और प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस, आप इसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, मतलब आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप डे टू लाइफ अगर ये करते हैं तो बहुत बड़ी पेनल्टी लगेगी, आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है ना। एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, ठीक है ना, कि अगर आप इसे पकड़े गए, बल्कि इसमें तो लॉ है हमारा, लॉ बोलता है कि अगर आप पकड़े गए तो आपको SC ST एक्ट के अंदर आपको जेल हो सकती है और गैर जमानती हो जाएगा अगर आपने ये काम किया, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल क्या करता है, देखो इक्वालिटी, हमारे देश में कास्ट सिस्टम का बड़ा वो था, बड़ा इसका इनजस्टिस हुआ, तो इसको
को समाप्त कम करने के लिए हमने आर्टिकल नंबर 17 डाला कि इक्वालिटी इस तरीके से भी आएगी। अब आर्टिकल नंबर 16-17 एक रह गया आर्टिकल नंबर 18, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स और किस तरीके से समानता आएगी। भाई किसी का कोई स्पेशल टाइटल नहीं होता, जैसे पहले अंग्रेज क्या करते थे, केसर हिंद, राय बहादुर, नंबरदार, ये सब उपाधि देते रहते थे, ठीक है। तो इस उपाधि से क्या होता था, एक लोगों के अंदर वो आता था कि हम रॉयल हैं, ठीक है। तो ये सब उन्होंने उपाधियां बंद कर दी गई, ठीक है। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स, तो सारे तरह के टाइटल सरकार ने बंद कर दिए। सिर्फ कौन कौन से रख दिए, एक तो मिलिट्री टाइटल्स और एक एकेडमिक। भाई किसी को मेजर की उपाधि, कैप्टन की उपाधि मिल रही थी तो भैया ऑनर ही है, आपको कुछ में कोई कास्ट का लेना नहीं, आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको कैप्टन की उपाधि कही है। या फिर आपको एकेडमिक टाइटल, आपने PhD कर दिया आप डॉक्टर लगा सकते हो, ठीक है ना। आपने इंजीनियरिंग करके ER लगा सकते हो, आपने CA कर रखा तो आप CA लगा सकते हो। तो ये क्या एकेडमिक टाइटल्स है, इसमें कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। भाई आपने पढ़ाई लिखाई किया आप करो, आपको समान अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, आप पढ़ लो, आपको भी करना है तो आपको भी टाइटल लगाना है तो, ठीक है ना। तो ये राइट टू इक्वालिटी आप कैसे समझ सकते हैं इसको। आप समझ करिए एक सोसाइटी है जिसमें इक्वालिटी आपको करनी है, तो आपको ये चीज़ें आज के ज़माने में देनी पड़ेगी कि भैया आपने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। फिर आपने क्या करा यार, इक्वल प्रोटेक्शन भी हो गया, आप क्या कहें उसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर आपने बोला, फिर वो हो गया, फिर आपने बोला कि हमारे यहाँ क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको मौका मिले, ठीक है। किसी जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है, ठीक है ना, उसके लिए बराबर सबको मौका मिले। फिर आपने बोला कि भाई हमारे यहाँ हमारे समाज की एक सच्चाई थी कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए आर्टिकल 17 लगाया, फिर 18 लगाया आपने किसे टाइटल हटाने के लिए। तो ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आपको पूछ लेंगे फलानी चीज़ कौन से आर्टिकल में, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी का कौन सा आर्टिकल है, डिस्क्रिमिनेशन का कौन सा आर्टिकल, रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ वाले में। तो इस तरीके से आपको इस कुछ को याद रखना है, ठीक है ना। तो राइट टू इक्वालिटी के हमारे 14 से लेकर 18 तक हो गए। तो फिर आज के लिए बहुत इतना ही है, हम आगे आप पढ़ेंगे हम राइट टू फ्रीडम हो गया ये, ठीक है ना, राइट टू एक्सप्लॉइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब आर्टिकल पढ़ते जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद करना है, आप क्या करिए एक छोटी सी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और बार बार इसको रिवाइज किए, खासकर मॉर्निंग के टाइम पर आपको समझ आएंगे। स्टोरी की तरह अपने दिमाग में पिक्चर की तरह बनाइए और ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पूरे एक नंबर दो नंबर पक्के हैं इसमें अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपने आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए मेरे चैनल। थैंक यू।